हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट थॉमस मिडिल्टन। इससे पहले हम अपने पहले वाली वीडियो में थॉमस मिडिल्टन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उनकी रेवेंजर्स ट्रेजेडी हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हम बाकी इनकी वीडियोस जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नेट और आपके JRF में आपकी हेल्प कर सके। तो लेट्स स्टार्ट वर्क्स उनके। हम पहला वर्क जो उनका है स्टार्ट करते हैं, द चेस्ट मेड इन चीपसाइड। द चेस्ट मेड इन चीपसाइड, ओके, रिटन बाय थॉमस मिडिल्टन। और चीपसाइड इज़ ए कॉलोनी वेयर प्रोस्टिट्यूट हैज़ टू लिव। ओके, तो मिडिल्टन वॉज बॉर्न इन टू लंडन मिडिल क्लास फैमिली और क्रिटिक्स कॉल्ड हिम रियलिस्ट। क्या बोलते थे क्रिटिक्स उनको? रियलिस्ट। ओके, और इस का जो चेस्ट मेड एट चीपसाइड का प्लॉट स्टार्ट करते हैं हम। इट इज़ ए रोमांटिक स्टोरी एंड ए लव स्टोरी ऑफ मॉल एंड टचवुड जूनियर। ओके, मॉल्स फादर इज येलो हैमर, डज नॉट वांट मॉल टू मैरी दिस बॉय टचवुड जूनियर। ओके, जो मॉल के फादर थे वो नहीं चाहते थे कि वो टचवुड जूनियर से शादी करे। येलो हैमर वॉन्ट मॉल टू मैरी सर वॉल्टर वॉरहॉर्न। वो सर वॉल्टर वॉरहॉर्न से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। एंड दिस गाय सर वॉल्टर कीप्स मल्टीपल मिस्ट्रेस। वो बहुत सारे मिस्ट्रेस रखता था। एंड दिस मिस्ट्रेस आर वेरी हैप्पी विथ वॉल्टर बिकॉज दे ओनली वॉन्ट मनी। व्हेन वॉल्टर ग्रोस ओल्ड एंड ही ऑलमोस्ट नियर द डेथ, ऑल हिज मिस्ट्रेस स्पेशली देर इज ए मिस्ट्रेस मिसिस ऑलविच एंड शी डिसाइड टू मूव फ्रॉम वॉल्टर एंड शी नीड्स टू फाइंड सम अदर पर्सन हु कैन पे हिज बिल्स। ओके, तो यही उस टाइम पे जो वहाँ का लंदन का कल्चर था बहुत ख़राब हो चुका था और उसी कल्चर को ये चीप्स चेस्ट मेड एट चीपसाइड में थॉमस मिडिल्टन दर्शाते हैं। और जो टचवुड सीनियर इज़ द ओल्डर ब्रदर ऑफ टचवुड जूनियर। का ओल्डर ब्रदर कौन था? टचवुड सीनियर। और टचवुड सीनियर हेल्प लेडी किक्स एंड हर इम्पोर्टेंट हस्बैंड टू कंसीव ए चाइल्ड बाय इम्प्रेगनेटिंग हर। उनके हेल्प करता है। ओके, और टचवुड सीनियर हेल्प टचवुड जूनियर एंड मॉल टू गेट मैरिड इन द एंड बाय फेकिंग देयर ओन डेथ। वो अपने भाई की शादी में भी हेल्प करता है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट प्ले बिकॉज इट पोर्ट्रे द लंडन करप्ट लाइफ ऑफ द टाइम। जैसे कि मैंने बताया उस टाइम पे लंडन में काफ़ी करप्ट लाइफ हो गई थी, तो उसी को ये इसमें पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ हम सारे शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने दूसरे वर्क की ओर चलते हैं, विच इज़ वुमेन बीवेयर वुमेन। ओके, तो नेक्स्ट वर्क इज़ वुमेन बीवेयर वुमेन बाय थॉमस मिडिल्टन। इट रिवॉल्व्स अराउंड ए मर्चेंट लेंटियो, LEANTIO, लेंटियो, और हु बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास। वो लेंटियो क्या है? लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। एंड ही मैरिड ए गर्ल कॉल बनाइका, BINCA, बनाइका। ब्यूटीफुल है वो एंड ए वेरी अपर क्लास लेडी है, बहुत ही अपर क्लास लेडी है। लेंटियो टेल्स हिज मदर दैट बनाइका इज़ लाइक ए ग्रेट प्राइज, ओके, हु मस्ट बी कैप्ट हिडन फ्रॉम अदर्स मैन आइज। बोले कि बनाइका जो है उसको हमें दूसरों की नज़रों से बचा के रखना है। शी इज़ लाइक ए ग्रेट प्राइस, बहुत ही महंगा रत्न है हमारे लिए। ठीक है, तो लेंटियो डिसाइड दैट ही विल नॉट अलाउ बनाइका टू मूव आउट ऑफ द हाउस एंड ही टेल्स हिज मदर टू टेक केयर ऑफ हर एंड लेंटियो हेल्प लेफ्ट। तो लेंटियो चला जाता है, अपनी मदर को बोलता है कि आप इसका ध्यान रखना, इसको कहीं पे भी बाहर ना जाने देना। बनाइका खिड़की पर खड़ी थी तब ड्यूक ऑफ दैट टाउन वाज गोइंग फ्रॉम देयर एंड ही इवेंचुअली फॉल इन लव विथ बनाइका। और वहाँ के जो ड्यूक थे, राजा थे, वो वहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने एकदम किसको देखा है? बनाइका को।
When Lentulus came, he saw the Minaica behavior is changed because Duke proposes Minaica. Duke ने propose किया किसको? Minaica को. Minaica को Duke की दौलत की वजह से उस पर प्यार आने लगा. When Lentulus was in the house, a messenger of Duke came and invited Minaica. और Lentulus कहता है मैसेंजर से कि Minaica नाम की कोई नहीं रहती यहाँ पे. लेकिन मदर बोलती है शायद ड्यूक ने परेड में जाते समय उनके घर के सामने से Minaica को देख लिया होगा एंड ही फॉल इन लव विथ हर. Lentulus Minaica को सीक्रेट प्लेस पर छुपा देता है लेकिन Minaica छिपने से मना कर देती है और कहती है कि मैं ड्यूक के घर जाऊंगी. एंड थ्रू आउट द प्ले Lentulus इज़ फीलिंग बैडली फॉर लूजिंग हिज वाइफ. Minaica नो लॉन्गर लव Lentulus एंड फील फॉर ड्यूक बिकॉज ड्यूक इज़ वेल्दी. ठीक है, वो भी उस लाइफ से ऊब गई थी और वो भी ड्यूक के पास ही जाना चाहती थी क्योंकि ड्यूक क्या था? अमीर आदमी था. ही इज़ वेरी वेल्दी. ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्टोरी वुमेन बिवेयर वुमेन. ओके, द नेक्स्ट इज ए गेम एट चेस. ए गेम एट चेस. कैरेक्टर्स इन द प्ले आर चेस पीसेस. ओके, जो चेस पीस होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स वही उसी टाइप के हैं. इसमें बॉक्स ऑफिस लंडन पर हिट रहा था ये प्ले. इट इज़ ए पॉलिटिकल सटायर है ये. इट इज़ परफॉर्म कंटिन्यूसली फॉर 9 nights. ओके, एट द ग्लोब थिएटर इन 1623. द थिएटर मिडिल्टन एंड ऑल द एक्टर्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस वर्क दे ऑल आर प्रोसिक्यूटेड बिकॉज द प्ले कंटेन रेफरेंसेस ऑफ द किंग. सबको उन अपराध भी माना गया था क्योंकि उन्होंने जो रेफरेंस लिए थे किसके? किंग के. ऑल द एक्टर्स वेर अरेस्टेड एंड थिएटर्स वेर शट डाउन एंड थॉमस मिडिल्टन वॉज ऑल्सो अरेस्टेड. ओके, तो 9 nights तक कंटिन्यूसली ये प्ले परफॉर्म हुआ था किसमें? ग्लोब थिएटर में. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन. और ये एक पॉलिटिकल सटायर है और जो कैरेक्टर्स हैं वो चेस के पीसेस की तरह है. ओके, तो प्लॉट्स हम इसका डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में. द ब्लैक किंग एंड हिज मैन रिप्रेजेंटिंग स्पेन एंड स्पेनिश किंग. जो ब्लैक किंग है, जो ब्लैक को इसमें वाइट एंड ब्लैक होते हैं जैसे हमने चेस में देखा है, तो वैसे ही ब्लैक जो किंग है एंड हिज मैन रिप्रेजेंटिंग स्पेन एंड स्पेनिश किंग. दे वेर चेकमेटेड बाय वाइट किंग. वाइट किंग ने उन्हें चेकमेट दे दिया. हु वॉज प्रिंस चार्ल्स वन ऑफ इंग्लैंड. एंड देर इज़ अ वॉर फॉट बिटवीन किंग जेम्स वन एंड किंग फिलिप 4 ऑफ स्पेन. ओके, द ब्लैक नाइट इज काउंट गोंडनर हु अंटिल 1622 हैज़ बीन ए स्पेनिश एम्बेसडर इन लंडन. व्हाइट नाइट जो थे वो कौन थे? प्रिंस चार्ल्स वन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ब्लैक नाइट जो थे वो काउंट गोंडनर. ब्लैक किंग जो थे वो कौन थे? फिलिप 4 एंड द किंग ऑफ जेम्स ऑफ स्पेन. किंग जेम्स ऑफ स्पेन. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट गेम एट चेस इन शॉर्ट फॉर्म. ओके, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियोस आपको बिल्कुल डिटेल में चाहिए, आपको कोई भी स्टोरी डिटेल में चाहिए, कोई भी राइटिंग्स किसी राइटर की डिटेल में चाहिए, कोई प्ले, कोई ड्रामा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी. ओके, द नेक्स्ट इज द चेंजलिंग. द नेक्स्ट वर्क ऑफ थॉमस मिडिल्टन इज द चेंजलिंग. ओके, द स्टोरी सेंटर्स अराउंड बीट्राइस. बीट्राइस BEATRICE. बीट्राइस ये एक गर्ल का नाम है. ओके, और बीट्राइस का जो सर्वेंट है डी फ्लोर्स. DEFLORES. डी फ्लोर्स वो हमेशा क्या करता है? बीट्राइस से प्यार करता है. सर्वेंट है बीट्राइस का लेकिन वो बीट्राइस से प्यार करता है. ओके, तो बीट्राइस है वो दो लोगों से प्यार करती है. ओलेंजो ALONZO एलेंजो और एलेसमेरो ALSEMERO एलेसमेरो. व्हेन द स्टोरी स्टार्ट बीट्राइस इज ऑलरेडी एंगेज विथ ओलेंजो. स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो बीट्राइस किससे एंगेज है?
ओलेंजो से एंगेजमेंट हो चुकी है उसकी, बट वन बिट्रेस मेट एलेसमेरो, एलेसमेरो से जब वो मिलती है शी सडनली फॉल इन लव एंड बोथ ऑफ देम, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं. बट बिट्रेस फादर वॉन्ट बिट्रेस टू मैरी विथ ओलेंजो, ओके. लेकिन बिट्रेस के फादर तो चाहते हैं कि वो ओलेंजो से शादी करे. बिट्रेस जानती है कि जब तक ओलेंजो है तब तक तो एलेसमेरो से शादी नहीं कर सकती, सो शी प्लानिंग टू किल ओलेंजो. एलेसमेरो डज नॉट नो, डजेंट नो ऑफ दिस प्लान ऑफ बिट्रेस. उसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता कि बिट्रेस क्या कर रही है, क्या उसकी प्लानिंग है, ओके. तो डी फ्लोर्स, जैसे मैंने बताया उसका सर्वेंट है बिट्रेस का, और वो भी उससे प्यार करता है. डी फ्लोर्स बिट्रेस से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं ओलेंजो को मार दूंगा. वो एक रात मांगता है किसकी, बिट्रेस की, डी फ्लोर्स. बिट्रेस इज़ रेडी टू स्लीप विथ डी फ्लोर्स. डी फ्लोर्स क्या करता है, किल कर देता है किसको, ओलेंजो को मार देता है. आफ्टर ओलेंजो डाइड बिट्रेस फादर एग्री टू मैरी विथ हर विथ एलेसमेरो. ओलेंजो के मरने के बाद में बिट्रेस के फादर एग्री कर लेते हैं कि ठीक है तुम शादी कर लो एलेसमेरो से, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ओके. ऑन हिज वेडिंग नाइट एलेसमेरो हियर फ्रॉम हिज सर्वेंट दैट बिट्रेस इज अनफेथफुल, सो ही गोज ऑन टू टेस्ट हर वर्जिनिटी. उसे पता चलता है कि नहीं वो ठीक लेडी नहीं है, वर्जिन नहीं है, तो वो हमेशा क्या करता है, उसकी वर्जिनिटी को टेस्ट करने की सोचता रहता है. बिट्रेस ऑलरेडी नोज दिस, उसको भी पता है कि हाँ मेरे पर शक हो गया है एलेसमेरो को, एंड शी ट्राई टू शो एलेसमेरो दैट शी इज़ वर्जिन. और वो कोशिश करती है कि वो उसको दिखाए कि मैं वर्जिन हूँ, ठीक है, पवित्र हूँ. डायफेंटो, डी आई ए पी एच ए एन टी ए, डायफेंटा एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड, मतलब सब्स्टिट्यूट क्या होता है, उसके बदले दूसरी ब्राइड को बिठा देना, दूसरी दुल्हन किसी को बना के बिठा देना, ओके. बिट्रेस अपनी जगह डायफेंटो को भेज देती है वेडिंग नाइट में, उसकी जगह इसको भेज देती है, डायफेंटो को भेज देती है किसके पास, एलेसमेरो के पास, ओके. एंड विदाउट नोइंग एलेसमेरो स्लीप्स विथ डायफेंटा. बिट्रेस को जलन होती है, वो डी फ्लोर्स के साथ मिलकर डायफेंटा को मरवा देती है, उसे भी मरवा देती है. फर्स्ट उसने एलेंजो को मरवाया, उसके बाद में अब डायफेंटो को मरवा दिया, ठीक है. बिट्रेस को लगने लगता है कि डी फ्लोर्स हमेशा उसकी हेल्प करता है और उसे भी उससे प्यार होने लगता है. एक दिन एलेसमेरो डी फ्लोर्स और बिट्रेस को गार्डन में एक दूसरे के साथ देख लेता है, ओके. तो पर बिट्रेस से जब वो पूछता है तो वो मना कर देती है और वो बोलती है, बोल देती है कि नहीं, वो बोल देती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एलेंजो को मरवा दिया. किसको बोल रही है वो, एलेसमेरो को बोल रही है कि मैंने तुम्हारे लिए एलेंजो को मरवा दिया. उसे लगता है कि एलेसमेरो खुश होगा कि हाँ इसने मेरे लिए इतने इतने लोगों को मारा है मुझे पाने के लिए. लेकिन एलेसमेरो को बहुत बुरा लगता है ये बात सुन के कि हिज वाइफ हैज़ मर्डर ए मैन. उसको बहुत बुरा लगता है कि हाँ मेरी बीवी ने मर्डर किया है किसी इंसान का. ही डज नॉट वॉन्ट टू बी विथ बिट्रेस एंड एट द एंड डी फ्लोर्स बिट्रेस को ही मार देता है और खुद भी मर जाता है, सो दैट दे कैन लिव टुगेदर इन हेल, ताकि वो हेल में अपने एक दूसरे के साथ रह सके. दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ चेंजलिंग इन शॉर्ट फॉर्म, ओके. तो आपको मेरी कोई भी वीडियोस डिटेल में चाहिए जैसे कि मैंने बताया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए नोटिफिकेशन, नए वीडियोस आपको मिलते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.